धर्म जयगढ़ विकास खंड जहां कई दफा जर्जर स्कूल भवन आंगनबाड़ी की खबर सामने आती रहती है। हाल ही में 2 माह पहले ग्राम सिथरा आंगनबाड़ी के जर्जर भवन की खबर चलने के महज 15 दिवस के भीतर ही भवन गिर गया था। वो तो बच्चों को उस भवन में नहीं बैठाया जा रहा था, जिससे कोई अनहोनी नहीं हुई। विकास खंड में ऐसे कई जर्जर भवन है, फिर भी विभाग द्वारा इन भवनों को लेकर गंभीर नहीं है। धर्म जयगढ़ विकास खंड के ग्राम पुसलदा जहां प्राथमिक शाला के बच्चों को काफी दिनों से भवन के बाहर बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, जब इसकी जानकारी हमारे संवाददाता को हुई तो उनके द्वारा मौके पर जाकर देखा। आपको बता दें कि प्राथमिक शाला जहां बच्चों की दर्ज संख्या 74 है, ज्यादा जर्जर अतिरिक्त कक्ष है, जिसमें कक्षा 1 के 15 बच्चे और कक्षा 2 के 17 बच्चे पढ़ते हैं। वहां का भवन काफी जर्जर है, छत का प्लास्टर टूटकर गिर गया है और उसमें से छत का सरिया छत के नीचे पढ़ रहे बच्चों को निहार रहा है। ऐसा दृश्य देखकर शायद ही कोई माता पिता होगा जो यहाँ इस भवन में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने भेजेगा, जिस वजह से शिक्षा कोई अनहोनी ना हो इसलिए बच्चों को बाहर पढ़ाने को मजबूर है। आखिर क्या कारण है कि धर्म जगह विकास खंड में कई स्कूल जर्जर भवन में संचालित है, जहाँ बच्चों को जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ाया जाता है? यह कोई पहला मामला नहीं है और न ही कोई पहला स्कूल। अगर स्कूल भवन जर्जर है तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, पर जानबूझकर बच्चों को जर्जर भवन में बैठाना क्या सही है? क्या है, स्कूल का स्थिति एकदम जर्जर हो गया है, मलबा धस रहे हैं, इसलिए बच्चों को मजबूरन बाहर में पढ़ाना पड़ रहा है। एक कमरा का स्थिति एकदम खराब है और बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो बच्चों को बैठाने में वहाँ दिक्कत हो रहा है, इसलिए हमको बाहर बैठा के पढ़ाना पड़ रहा है। हाँ, उच्च अधिकारी को आवेदन भी दिए हैं और सूचित भी कर चुके हैं विभागीय अधिकारियों को भी, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। बाहर में कैसे पढ़ रहे हो बैठ के? छत का टूट टूट कर गिर रहा है, बैठने में डर लगता है, इसलिए बाहर पढ़ते हैं। वो बाहर में बैठ के क्यों पढ़ रहे हो आप लोग? कमरे का छत धस रहा है और कभी भी हमारे लोग को ऊपर में गिर सकता है, तो डर लगता है, इसीलिए बाहर में बैठे हैं।